तुझको मैंने खाना दिया, पानी दिया, धूप दिया, कब बड़ा होगा रे तू? बोलना बोलना बेटा, कब बड़ा होगा बेटा तू? देखिए दोस्तों, इस पौधे को बड़े होने में तो अभी समय लगेगा, लेकिन आप बड़े हो सकते हैं बहुत जल्द, जैसे कि VFX हमने किया था चंडीगढ़ गाने की म्यूजिक वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्ट करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इफेक्ट बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड, दूसरा आपका कैरेक्टर जो कि ग्रीन स्क्रीन पर हो, और तीसरा एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई ट्राइपॉड जिसे कि आप बिल्डिंग की जगह प्लेस कर सकते हैं। और ये सब आने के बाद हम चलेंगे इस फुटेज को लेकर के आफ्टर इफेक्ट्स में। तो लेट्स गो टू आफ्टर इफेक्ट्स। सो अब हम पहुंच चुके हैं आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस के अंदर, और सबसे पहले हमें अपने फुटेज को इम्पोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट पैनल में। उसे इंपोर्ट करने के बाद हम अपने फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कॉम्पोजिशन के आइकन पे, जिससे कि एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगी। न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के बाद हम अपने लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे, और उसी लेयर के ऊपर हमें की लाइट इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो हम इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे की लाइट, उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे डुप्लीकेटेड लेयर के ऊपर, ताकि हम उसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकें। इसके बाद हम अपने की लाइट इफेक्ट की सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पर कलर पिकर का यूज़ करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव तो हुई है, लेकिन क्योंकि नीचे भी हमारे पास लेयर है तो हमें वो नज़र आ रही है। तो हम अपनी डुप्लीकेटेड लेयर के अंदर जाके की लाइट की सेटिंग्स को स्क्रीन मैट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रीन मैट की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो फुटेज है वो ब्लैक एंड वाइट कलर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ पर ब्लैक कलर है वो एरिया ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जहाँ पर वाइट कलर है वो एरिया ओपेक यानी कि विजिबल है। अब हमें अपने फुटेज को कुछ ऐसा बनाना है कि जो वाइट है वो क्लियरली वाइट हो और जो ब्लैक है वो क्लियरली ब्लैक हो। तो उसके लिए हम स्क्रीन मैट के ऑप्शंस को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्लैक को इंक्रीज करके और वाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करके अपने फुटेज को क्रिस्प एंड क्लीन बना लेंगे, बहुत ही कॉन्ट्रास्टी बना लेंगे, ताकि कोई भी ग्रे कलर उसके अंदर ना रहे दोस्तों। सॉरी मेरी बात। इसके बाद हम अपने नीचे वाले लेयर का जो ट्रैक मैट है उसे चेंज करेंगे लूमा मैट, ताकि वो ऊपर वाली लेयर से लुमिनेंस की सेटिंग्स को यूज़ कर सके। जहाँ पर लेयर वाइट है वहाँ पर वो दिखे, जहाँ पर लेयर ब्लैक है वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। इससे हमारी ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगी। लूमा मैट का एक फ़ायदा है यूज़ करने का, कि इससे हम जो चेंजेस हैं वो अपनी डुप्लीकेटेड लेयर्स पर करेंगे, लेकिन जो इफेक्ट है वो हमें हमारी मेन लेयर पर नज़र आएगा। तो हम एक्चुअल में हमारी मेन लेयर को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम अपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर पा रहे हैं। इसके बाद हम अपनी लेयर्स को प्री कंपोज कर लेंगे, और प्री कंपोज करने के बाद हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर ऑलमोस्ट रेडी है। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद हम कुछ और इफेक्ट्स लगा सकते हैं अपनी फुटेज को रिफाइन करने के लिए। जैसे कि हम इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे और वहां पर एडवांस फिल सप्रेसर को सर्च करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारी फुटेज के ऊपर, और इसके अंदर सेटिंग्स में जाकर स्टैंडर्ड को अल्ट्रा में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग मैट चोकर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि हम फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी फुटेज के ऊपर, और इसका यूज़ करके हम अपनी एजिस को शार्प कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको पुश इन या पुश आउट कर सकते हैं, मतलब कि उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर उसे थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। सो हमारी ग्रीन स्क्रीन है रेडी। इसके बाद समय है हमारी बैकग्राउंड प्लेट के ऊपर उसे प्लेस करने का और उन दोनों को कंपोजिट करने का। सो लेट्स गो। सो कैरेक्टर की ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद अब समय है बैकग्राउंड प्लेट को अपने कैरेक्टर के पीछे प्लेस करने का। उसके लिए हम अपने बैकग्राउंड को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारी कंपोजिशन के अंदर। इसके बाद हमें इस फुटेज को हेलो अम्मी नहीं नहीं अभी तो मैं सेंट्रा मॉल आया हूँ। एक मिनट होमलैंड आया हूँ। सेंट्रा मॉल आया हूँ। नहीं होमलैंड। अरे क्या चाहिए था? हम अपने कैरेक्टर को ऑफ ही कर लेते हैं दोस्तों। अब समय है हमारी फुटेज को ट्रैक करने का। ट्रैक करने से पहले हम एक न्यू नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम अपने लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ट्रैकर में जा कर के पॉइंट ट्रैकर को यूज़ करते हैं फुटेज को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को हमें वहाँ प्लेस करना है जहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर को प्लेस करना है। सो फुटेज को ट्रैक करने के लिए हम एनालाइज फॉरवर्ड को क्लिक करते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे सीन को ट्रैक कर लेगा। सो ट्रैक करने के बाद हम अपने
टारगेट को नल के ऊपर सेट कर देते हैं एडिट टारगेट का यूज करके। इसके बाद हमें अप्लाई करना है ये सारा ट्रैकिंग डेटा अपने नल के ऊपर। उसके लिए हम अप्लाई को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम अप्लाई को क्लिक करते हैं सारा डेटा नल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब समय है हमारे कैरेक्टर को वापस से इंट्रोड्यूस करने का। इस साला एक सांप को हम अपने कैरेक्टर को म्यूट ही कर लेते हैं दोस्तों, और उसे थोड़ा सा सुधार भी लेते हैं। तो हमारा कैरेक्टर थोड़ा सुधर गया है। सो अब समय है हमारे कैरेक्टर को बैकग्राउंड के साथ पेरेंट करने का। पेरेंट मतलब माँ बाप, माँ बाप मतलब भगवान। कभी कभी साला उनको लगता पुनीच भगवान है यार। सो दोस्तों, सबको पता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो यहाँ पर बाप जो है वो हमारी बैकग्राउंड लेयर है। तो हम अपने कैरेक्टर की लेयर को पेरेंट कर देंगे बैकग्राउंड लेयर के साथ। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे बिल्डिंग की मूवमेंट है वैसे ही हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट मैच हो रही है। सो इफेक्ट इज ऑलमोस्ट रेडी, एकदम से बेहतरीन लग रहा है। सो हमारी फुटेज जो है वो ट्रैक हो चुकी है बैकग्राउंड के साथ। अब समय है कुछ टचअप्स करने का, जैसे कि जो हमारे कैरेक्टर का हाथ है और जो बिल्डिंग है उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर हम शेडोज को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक न्यू सॉलिड लेयर को क्रिएट करेंगे और उस सॉलिड लेयर को प्लेस कर देंगे बैकग्राउंड और कैरेक्टर की लेयर के बीच में। इसके बाद हम पेन टूल का यूज़ करेंगे एक मास्क क्रिएट करने के लिए, ताकि हम सिर्फ उतने पोर्शन के अंदर शेडोज को क्रिएट कर सकें जहां पर हमें शेडोज चाहिए। साथ ही साथ हम ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं लेयर की, ताकि हम अपने शेडो को डार्क या फिर लाइट कर सकें। इसके अलावा आप पेन टूल में एक एडिशनल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं जो कि है फेदर टूल, जिससे कि आप मास्क को वहां पर फेदर कर सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं और वहां पर फेदर नहीं कर सकते हैं जहां पर आप नहीं चाहते। क्या बात है। तो ये सब करने के बाद आपकी शेडोज कुछ इस तरह से दिखेंगे। सो सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन एक चीज की थोड़ी सी कमी है, वो ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारे कैरेक्टर की लातों के पीछे है। तो जैसे कि आप जानते हैं लातों के बुद्ध बातों से नहीं मानते। आप कैसे मानेंगे वो मुझे नहीं पता, मैं कैसे मानूंगा बता देता हूँ। 1000 लाइक्स और 5000 कमेंट्स मांगता है, उसके बाद अपन बैकग्राउंड को कैरेक्टर की लातों के सामने करके दिखाएगा। तुम्हारा टाइम अब, लेट्स गो। तो ये सब करने के बाद हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरह का नहीं, अभी जो देखने वाले उस तरह का दिखेगा। चलो रे इफेक्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे ये बेहतरीन इफेक्ट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जैसे हमने किया था चंडीगढ़ म्यूजिक वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए। ये जो बैकग्राउंड्स थे ना, इनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट सब कुछ कर दो भाई। अगले वीडियो में मिलूंगा, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, सोना बेच के कुछ पैसे कमा लेता हूँ। ओके टेक केयर, बाय बाय, इसी देख के बाद साइनिंग। तेरे नखरे हजार असी तेरे उते जिंदगी लुटाने तैयार, जिन्ना चिर तू ना मन्ने मैं भी मन नी निहार। असी दसिए ते शूटिंग चल रहा है क्या? तो किन्ने आए खिलाड़ी मेरे वर गानी आया हुन, हां या ना अगे फैसला भी तेरा, फैसला भी तेरा, निकल यहां से ओए मियां। सो बम बम बोले बोले पहले बोले यार, ये हम ये ग्रुप पर रख लेते हैं शॉट है। क्यों ये जो शॉट है ये ब्लू कलर यार, इधर तू आ, तू इधर आ जा यार, तेरे को हां तेरे को बहुत आदत है ना तेरे को आने की वीडियो में, तो आ जा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस साइड पे। दोनों ने इसका नहीं हुआ भाई, पिछले बहुत बढ़िया था, पिछली बार बहुत बढ़िया कर रहे यार। तुझको मैंने दारू दिया, चखना दिया, मुर्गा दिया, मटन दिया, लगता है तेरे को खाद ही देना पड़ेगा, इन सब से तू बड़ा हुआ नहीं बेटे। ए